ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे जो प्रीवियस हमने टॉपिक मॉड्यूल कंक्लूड किया ये उसी की कंटिन्यूएशन से ही है। और आपने देखा कि किस तरह हमने स्टार्टिंग फ्रॉम द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट देन हमने सिंगल लाइन टेक्स्ट को ड्रा करना सीखा था और हमने देखा कि DT वाज शॉर्ट की टू ड्रा अ सिंगल लाइन टेक्स्ट। और इसके बाद हमने देखा कि किस तरह जैसे ही हम DT का ऑपरेट करते हैं तो हमसे ऑप्शन लेके पूछता है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई XY कोऑर्डिनेट्स यस यू कैन स्पेसिफाई, बट इफ़ यू हैव फॉर एग्जांपल सर्टेन पॉइंट इन योर माइंड तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके क्लिक करते हैं कर्सर को एंड देन ऑल यू नीड टू डू इज स्पेसिफाई हाइट ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट में हाइट बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और आगे जाके भी जब इवन के प्रोजेक्ट के अंदर आप बात करेंगे किसी भी जगह पे तो वहाँ टेक्स्ट हाइट की हम बात करेंगे और आगे जाके हम इस टेक्स्ट हाइट को फिक्स करने के कुछ मेथड्स भी देखेंगे। यस देयर आर सर्टेन मेथड्स टू फिक्स द टेक्स्ट हाइट। तो इसके बाद हमने देखा कि किस तरह जस्टिफाई जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद थी जस्टिफाई की और उसमें जाके हमने जैसे ही वो ऑप्शन देखी तो बहुत सारे हमारे पास फर्दर ऑप्शन मौजूद थी कि आपने अलाइन करना है, आपने सेंटर करना है, आपने मिडल करना है। कुछ ऑप्शंस को हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर जो है वो करके देखा है और कुछ हमारी रिमेनिंग थी उसको क्विकली हम इस टॉपिक के अंदर कंक्लूड करने की ट्राई करेंगे। और कुछ क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस हैं उसमें से कुछ ऑप्शन मैं आपको दूंगा ताकि आप एज अ होम असाइनमेंट उनको लेकर खुद से ऑपरेट करें। अगेन एंड द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एवरी कमांड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हर कमांड की कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी आगे जाके इवन इन योर प्रोफेशनल असाइनमेंट्स। तो आपने इस हर कमांड को इतना अच्छे तरीके से करना है और यही वन ऑफ द बेसिक पर्पस है और हम इसी वजह से बहुत डिटेल्ड चल रहे हैं। अगर मैं चाहता तो ये बहुत क्विकली भी हो सकती थी सारी चीज़ें, बट पर्पस ये है कि हम सबको साथ लेके चलें, हर तरह के हमारे जो ऑडियंस है, पार्टिसिपेंट्स हैं, ट्रेनीज़ हैं पर्टिकुलरली, और ट्रेनी हमारे साथ साथ चलेंगे तो इनकी जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आप इनको जाके एग्जीक्यूट करेंगे। सो बढ़ते हैं हम कैड की तरफ ताकि हम फॉर्मली जो नेक्स्ट ऑप्शंस जो हमने कुछ करने हैं वो हम परफॉर्म करके देखें। सो ये हमारे पास हमारी प्रीवियस ड्राइंग जिसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था, इसमें से हम फ़िलहाल ये एक दो चीज़ें डिलीट कर देते हैं। एक हम और लाइन लगा के भी रख लेते हैं ताकि जो हमने कुछ अभी यहाँ पे ऑप्शंस को एग्जीक्यूट करना है तो हमारे लिए आसानी रहेगी उन एग्जीक्यूट करते हुए और डिफरेंस देखते हुए। सो अगेन DT एंटर, जैसे हमने DT एंटर की सो वी आर हैविंग ऑप्शन ऑफ जस्टिफाई और स्टाइल। सो हमने जस्टिफाई पे क्लिक की थी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन मौजूद थी, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इसमें से हमने कुछ एग्जीक्यूट करके देखी। क्विकली हम अलाइन को दोबारा यहाँ सामने रखेंगे ताकि हमारे लिए अलाइन और बाकी जो हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करना आसान रहे। सो A B C D ये आप नोट करें। सो लाइन में वो क्या कर रहा है, उसी लाइन के अंदर हमें जितना हम टेक्स्ट ज़्यादा लिखते जाएंगे वो उसकी हाइट कम करता जाएगा। और वहीं पे अलाइन मीन्स आपने दो पॉइंट्स एंड पॉइंट बता दिए और उसके दरमियान ये हमने ऑपरेट किया था। अब हमने DT या हमारे पास ऑप्शन है स्पेस बार भी हम एंटर कर सकते हैं। सो अगेन जस्टिफाई पे हम क्लिक करते हैं और हमने सेंटर का ऑप्शन देखा था। सेंटर क्या करता है कि जो पॉइंट आप सेंटर देंगे उसके इर्द गिर्द चाहे आपने जिस एंगल पे देना चाह रहे हैं वो लिख देगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मिडल की। सो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर एग्जांपल मिडल एंड सेंटर। सो मिडल के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं मैसेज जरूर पढ़ना है एंड दैट इज स्पेसिफाई मिडल पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। यस दिस इज मिडल पॉइंट क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी ओ स्नैप की सेटिंग्स ऑन की हुई है। मिडल पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद अगेन सेम क्वेश्चन हाइट आप कोई भी रख सकते हैं, से हम यही रख लें जो आ रही है। और इसके बाद एंगल, सपोज हम एंगल फिलहाल 0 रख लेते हैं और हम चाहते हैं कि इसी लाइन के ऊपर लगे। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हमने डिफरेंस देखना है कि A B C D फॉर एग्जांपल। अब क्या कर रहा है वो, सेंटर में उसने क्या किया था, अगेन हम यहाँ पे एक और लाइन लगा के और सेंटर और इन दोनों का डिफरेंस अगेन DT और हमारे पास जस्टिफाई सेंटर पॉइंट पे जब हमने क्लिक की सो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट था। टेक्स्ट हाइट हम इतनी रखते हैं और हम जो एंगल है वो हम 0 रख लेते हैं और हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन हैं A B C D E F G H कोई भी ऑप्शन A B C बाहर के क्लिक करते हैं और अब हम अगेन सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड को ऑपरेट करके और मिडल की ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अब आप डिफरेंस देखिएगा इसमें, अगेन हाइट इतनी और एंगल 0। सो A B C D E F G H। अब इनमें डिफरेंस ये आ रहा है कि आल्दो सेंटर पॉइंट और मिडल पॉइंट, क्योंकि मिडल और सेंटर एक ही चीज़ है, इसका इस लाइन का मिडल पॉइंट वही सेंटर पॉइंट भी है और इस लाइन का, बट सेंटर के ऑप्शन में उसने लाइन के बिल्कुल सेंटर में लिखना स्टार्ट किया है। हाफ टेक्स्ट ऊपर है और हाफ नीचे है, बट इन केस ऑफ सेंटर वो सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द लिख रहा है, बट लाइन से वो एक डिस्टेंस के ऊपर लिख रहा है। सो ये हमारे पास ऑप्शन है। इसके बाद हम डी टी का बटन अगर अगेन प्रेस करें, जस्टिफाई में आएँ, सो हमारे पास फिट की ऑप्शन है। अब हम फिट के ऑप्शन पर भी क्लिक करते हैं। फिट के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, व्हाट इज आस्किंग टू स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट, यस दिस इज फर्स्ट एंड पॉइंट, एंड नाउ ही इज आस्किंग टू स्पेसिफाई द सेकंड एंड पॉइंट। ये हमारे पास सेकंड एंड पॉइंट है, और अगेन टेक्स्ट हाइट और एंगल। सो ये क्या करेगा, अब इसने क्या किया है, अगर आपने सबसे पहले हमने सिंपल एक दो टेक्स्ट काम लिखा है, तो उसने पूरे टेक्स्ट को उस लाइन के ऊपर स्प्रेड कर दिया, लाइक दिस वन। बट जैसे जैसे आप टेक्स्ट बढ़ाते जाएंगे वो खुद ब खुद टेक्स्ट को एडजस्ट करता जाएगा, फिट करता जाएगा, और आपकी लाइन जो है एक स्मूथ। तो ये हमने काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखा, उसने इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया। सो बाकी आप खुद आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे इसको वन बाय वन। अब हम लास्ट ऑप्शंस को क्विकली देखते हैं एंड देन विल वाइंड अप दिस लेक्चर। दूसरे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें हम क्लिक कर लेते हैं, दैट इज अगेन डी टी, एंटर, जस्टिफाई। अब हमने लेफ्ट सेंटर किया, राइट अलाइन, मिडल, फिट कर लिया। अब हमारे पास ऑप्शन है लेफ्ट। तो अगर हम लेफ्ट पे फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं, तो ये क्या पूछ रहा है हमसे, टेक्स्ट स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। तो फर्ज करें हमने ये लेफ्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन दिया, यही हाइट और यही एंगल। तो अब आप नोट करें तो एक्चुअली हमने किया क्या है, हमने अपनी जो लाइन है या जो पॉइंट है उसका लेफ्ट साइड वी हैव स्पेसिफाइड। लेफ्ट साइड देने के बाद हमने कहा कि आपकी जो लेफ्ट साइड है वो लिमिट्स हमने बता दी। उन लिमिट्स को बताने के बाद वो उस लेफ्ट साइड की लिमिट्स को वहाँ क्लोज कर देगा और उससे वो राइट साइड पे लिखना स्टार्ट कर देगा। सो दिस वाज बेसिक एक्चुअली जो हमारा डिफरेंस था वो हमने क्लियर किया। हमने क्या किया, अगेन मैं एस्केप का बटन प्रेस करके और अगेन डीटी हम जब एंटर करते हैं, सो हमारे पास जस्टिफाई एंड लेफ्ट। अब वो कह रहे हैं कि पहला लेफ्ट पॉइंट आप क्लिक करें, मैंने ये क्लिक की, यही हाइट यही एंगल। तो अब उसने क्या किया है, जो मैंने उसे पॉइंट दिया है वो उसको लेफ्ट पॉइंट कंसीडर करके उससे राइट साइड पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब राइट जो होगा वो इसका रिवर्स होगा। अगर हम क्विकली देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जस्टिफाई है और राइट की ऑप्शन है। राइट में क्या है कि वो पूछ रहा है कि राइट लिमिट स्पेसिफाई कर दें, मैंने स्पेसिफाई की, एंटर कर दें, और एंगल 0। अब आप देखेंगे तो वो इससे लेफ्ट साइड पे लिखेगा जो भी आप लिख रहे हैं। सो लेफ्ट में इट मीन्स यू आर स्पेसिफाइंग लेफ्ट लिमिट, राइट में राइट लिमिट, उससे लेफ्ट लिखेगा और इसमें उससे राइट लिखेगा। इसके बाद हमारे पास जो है, अगर हमें क्विकली एक रेक्टेंगल ड्रा करके एक लाइन ड्रा कर लें, और ऑप्शंस को मैं एक आपको समझा देता हूं, बाकी आप खुद से इसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे। ये सपोज मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, सो डी टी, एंटर, जस्टिफाई। सो इसके बाद आप नोट करें, सो ये टी एल मीन्स टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, एंड बॉटम लेफ्ट, और नीचे ऑप्शंस हैं। सो सपोज मैं लिखना चाह रहा हूँ टॉप लेफ्ट में, तो ये क्या करेगा, ये टॉप लेफ्ट है, अब ये इसे राइट लिखना स्टार्ट करेगा। मैं जैसे ही पहला पॉइंट क्लिक करता हूँ और एंगल दिया, अब आप नोट करें तो ये क्या कर रहा है, उस टॉप लेफ्ट से लेफ्ट साइड लिखना स्टार्ट कर रहा है। और डी टी जब आप दोबारा जस्टिफाई में जाते हैं, और अगर सपोज आप करते हैं, अब हम एक ऑप्शन मिडल सेंटर, सो ये हमारा मिडल लाइन है और ये उसका सेंटर है, इस पर आप क्लिक करते हैं, यही हाइट। तो अब आप लिखें तो ये सेंटर से दोनों साइड पे लिखना स्टार्ट कर देगा। बाकी ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं, आपने वन बाय वन इनको एक्सप्लोर करना है। ये हमारे पास बॉटम राइट कर लेते हैं हम। अब ये हमारे पास टॉप लाइन थी, ये मिडल लाइन है, एंड दिस वन इज बॉटम राइट। सो दिस इज एक्चुअली टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, बॉटम, ये हमारी लेफ्ट साइड है तो बॉटम लेफ्ट, ये है बॉटम सेंटर, एंड दिस इज बॉटम राइट। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, तो अब ये क्या करेगा, इससे लेफ्ट लिखना स्टार्ट कर देगा। सो इस तरह आप ये जो बाकी रिमेनिंग ऑप्शन है, एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो जाहिर है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, और इस तरह आप इन कमांड्स को वन बाय वन ऑपरेट करेंगे, और इस तरह हमारी सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड जो है वो कंप्लीट होगी। सो इस टॉपिक के अंदर हमने अपनी सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड को कंप्लीट किया है, एंड वी हैव सीन फर्दर सब ऑप्शंस ऑफ सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड, कि हमारे पास किस तरह अलाइन है, सेंटर है, टॉप लेफ्ट है, टॉप राइट है। बेसिक पर्पस जो था अगेन करवाने का वो यही था कि हमारे जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती जाएगी उतना ही अच्छा जाके आगे हम प्रोजेक्ट करेंगे।